अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगी फॉर सेकंड ईयर फिजियोलॉजी। बेसिकली वैसे ओवरव्यू दे देती हूँ। सेकंड ईयर में आप लोगों को पता है कि तीन सब्जेक्ट्स वही होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सिर्फ ना न्यूरो एनाटॉमी आती है और ना एक एम्ब्रियो में थोड़ी सी चेंजिंग होती है कि वो जो है ना स्पेशल वाला पार्ट होता है, क्योंकि जनरल वाला पार्ट आप फर्स्ट ईयर में करते हो, ठीक है। तो सेकंड ईयर फिजियोलॉजी में जो है ना टोटल जो टॉपिक्स है ना वो 1 2 3 4 5 6 टोटल जो है ना 6 टॉपिक्स हैं। उन 6 टॉपिक्स में कुछ मेजर हैं और कुछ जो है ना माइनर हैं। 3 टॉपिक्स जो है ना मेजर हैं, 3 माइनर हैं। CNS, रीनल और एंडोक्राइनोलॉजी जो है ना मेजर है, जबकि स्पेशल सेंसेस, रिप्रो और GIT ये जो है ना माइनर है। वो कैसे, आपने कभी भी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले MBBS में पहले उसको टॉस देखना होता है कि ये कितने मार्क्स कैरी करती है, ये मैं टॉपिक जो पढ़ रही हूँ या फिर मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ तो इसमें कितने मार्क्स मैंने गेन करने हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से पढ़ते होते हैं। CNS में देखें आप, CNS मेजर है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से 12 MCQ और 2 SCQ आने, मतलब टोटल हो गया 22 मार्क्स का पेपर। जबकि रीनल में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद रीनल और एंडो हैं। रीनल में से 8 MCQ और 2 SCQ हैं, मतलब टोटल 18 मार्क्स हो गए। और एंडो में जो है ना 8 MCQ और 2 SCQ, इसके भी 18 मार्क्स हो गए। तो इन दोनों के 18 मार्क्स और इसके जो है ना 22 मार्क्स, तो ये तीनों होगी मेजर। और एंडो और जो रीनल है ना, ये दोनों मतलब इक्वल वेटेज रखती हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि एंडो जो है ना ज़्यादा वेटेज रखती है। एंडो ज़्यादा वेटेज इस वजह से रखती है क्योंकि आप अगर एंडो इधर से पढ़ोगे फिजियो से, तो आपकी एंडो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट भी है, तो बायोकेम की भी फिजियो की दोनों की कवर हो जाएगी। इसलिए मैं कहूँगी CNS के बाद आप एंडो को फोकस करना, क्योंकि रीनल जो गाइडलाइन में दिया हुआ है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंथ ही दिया हुआ है और उसको कवर करना बहुत मुझे तो मुश्किल लगता है। लेकिन वैसे मैं तो ज़्यादातर फिरदौस ही पढ़ती हूँ, फिरदौस से ही हो जाता है गाइडेंस से कॉन्सेप्ट लेके। कभी गाइडेंस से कॉन्सेप्ट लेती हूँ, अभी कॉन्सेप्ट लेके फिर मैं फिरदौस पे जो है ना शॉर्ट लिस्ट कर लेती हूँ, या फिर अगर कभी गाइडेंस से पढ़ूँ भी तो मैं कॉन्सेप्ट बनाती हूँ और ना शॉर्ट लिस्ट कर देती हूँ ऊपर ही। मैं कोई स्टिकी नोट्स वगैरह यूज़ कभी नहीं किए मैंने, मैं बस उसके ऊपर ही कर देती हूँ, क्योंकि स्टिकी नोट से पढ़ना मुझे अजीब लगता है। खैर बात लंबी हो रही है। अच्छा जी, स्पेशल सेंसेस में देखें तो स्पेशल सेंसेस में 6 MCQs आने हैं और जो है ना 1 SCQ आना है, ठीक है। और इसमें से बनते हैं टोटल 11 मार्क्स, जबकि रिप्रो में से 6 MCQ और 1 SCQ आना, तो इसमें से भी 11 मार्क्स, मतलब ये दोनों जो है ना इक्वल वेटेज इनका है। और ये दोनों जो है ना, बल्कि ये तीनों जो है ना फिरदौस से कवर हो जाएंगे, लेकिन रिप्रो ना आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी फिरदौस से करना। GIT तो समझ आ जाती है आराम से, आप कोई वीडियो देखो, ठीक है, और जो है ना उधर फिरदौस से करो, इनफ है इंशाल्लाह, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती गाइडन पढ़ने की। जबकि रिप्रो के लिए ऐसा है कि आपको ना समझ नहीं आती फिरदौस से, तो उसका मैं कहूँगी कि अगर किसी की वीडियोस मिल जाती हैं तो वो देख लें, और अगर नहीं मिलती तो फिर गाइडेंस से जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर जो कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट है प्रॉफ के लिहाज से, थ्योरी के लिहाज से, तो उसको जो है ना एक नज़र देख लें कि इसको कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और स्पेशल सेंसेस भी हो जाएगी आराम से उधर से जो फिरदौस है, लेकिन उसमें यह है कि जो आई वाला टॉपिक है ना, आई वाला टॉपिक आपने इधर से ही करना है गाइडन से। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है 50 है शायद, हाँ, वो वाला जो है ना थोड़ा गंद मारा हुआ स्टार्ट में, लेकिन उसमें सिर्फ एकोमोडेशन वाला शायद टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो खैर वो आगे की बातें। तो ये हो गया। इसके बाद जो है ना मैंने अलग से चैप्टर्स लिखे हुए हैं कि किस टॉपिक में कितने चैप्टर्स हैं और उसमें कितने जो है ना लीस्ट इंपॉर्टेंट, या जो है ना बेशक आप स्किप भी कर दें उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट कर लें तो मोर देन इनफ है। उनमें CNS में जो है ना टोटल है 11 चैप्टर्स, उसमें से जो 6 है ना वो 6 कट जाते हैं, वो 6 नहीं इंपॉर्टेंट, वो ऐसे है कि सेंसरी के पहले 2 और मोटर के लास्ट 4, तो वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उनमें से सिलेक्टिव करना होता है, जो मोटर के लास्ट 2 है ना उनमें से सिलेक्टिव करना होता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। इसके बाद रीनल है, रीनल बहुत लेंथी है, तो इसमें जो है ना टोटल 7 चैप्टर्स हैं और उसमें 2 चैप्टर जो है ना लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं 30 और 31, ये वाले। ये अगर आप फिर 2 से भी करोगे तो आपका गुजारा हो जाना है, बेशक कॉन्सेप्ट बना लोगे, एसिड बेस बैलेंस के हैं तो कॉन्सेप्ट बना लोगे तो बहुत है। मैंने तो एक टेबल ही किया था फिर 2 से बस, एसिड बेस बैलेंस वाला, लेकिन इसके अलावा फर्स्ट वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है इसमें। चलें छोड़ें, मैं
आगे इधर उधर भाग जाती हूँ। अच्छा एंडो एंडो में टोटल हैं 6 चैप्टर, उसमें से एक चैप्टर जो है ना लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से सिलेक्टिव करना है, वो है विटामिंस वाला, सॉरी पैराथायरॉयड हार्मोन्स वाला, वो आई गेस 80 है, हाँ 80 है आई गेस, हाँ। और इसके बाद इन तीनों के लिए जो है ना फिर डोज इनफ है। और जैसे मैंने पहले बताया रिप्रो के लिए आप जो है ना कोई वीडियो देख लें, या फिर ऐसा है कि हम गाइडेंस से कॉन्सेप्ट ले लें और फिर उधर से पढ़ें, लेकिन ये माइनर है, ये जो है ना जो फोकस आपने रखना है ना इनको रखना है, ठीक है। बारकल्लाहु फीक।